तो बच्चों आज हम लोग डाउट सेशन कर रहे हैं। कल हमारा डाउट सेशन नहीं हो पाया क्योंकि वाईफाई नहीं था, लाइट भी नहीं थी और नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो एक सम करवा सका था। ओके, जो थर्ड नंबर का था आपको बिल्कुल समझ में आ गया है ना, यानी कि वो क्या था थर्ड नंबर का बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सिग्मा और एप्सिलॉन का अगर ग्राफ है, सिग्मा और एप्सिलॉन का अगर ग्राफ है तो यंग मॉडुलस क्या होगा, स्लोप कैसे। तो अगर मान लो ये ग्राफ ऐसे है तो ये आपका डेल्टा सिग्मा हो जाएगा, ये आपका डेल्टा एप्सिलॉन हो जाएगा। अगर ये थीटा हुआ तो टेन थीटा क्या लिखा जाएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन यानी के यंग मॉडुलस। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है अब कि सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन का अगर ग्राफ है तो उसका जो स्लोप निकलेगा वो स्लोप क्या होगा, यंग मॉडुलस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो चलो तो हम पांच नंबर वाला सम करते हैं, एक्सरसाइज का पांच नंबर। चलो देखो, तो बच्चों हमें एक डायग्राम दिया गया है, हमें डायग्राम एनसीईआरटी लेके बैठो, यहाँ पे 4 केजी लगाया है, यहाँ पे 6 केजी लगाया है, ये स्टील है और ये कॉपर है, यहाँ पे जो वायर है बीच में स्टील और कॉपर के हैं, हमें उनका डेटा दिया गया है, इसकी लेंथ हमें दी गई है, लेंथ ऑफ स्टील इज 1.5 मीटर बच्चा, लेंथ ऑफ कॉपर इज कितनी है 1 मीटर बच्चों। ओके, और उनके यंग मॉडुलस भी दिए, यंग ऑफ स्टील आपको दिया है 2 × 10^11 न्यूटन मीटर -2, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर दिया है 0.91 × 10^11 न्यूटन मीटर -2। तो हमें क्या पूछा गया है, चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर कितना होगा। क्या बच्चों क्वेश्चन समझ में आया, व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ कॉपर एंड स्टील वायर, फाइंड आउट दिस चेंजेस, यस और नो। क्या यही क्वेश्चन है, देखो तो यस, लेंथ में चेंज होता कितना है वो आपको निकालना है। अब हमें डायमीटर चाहिए, तो इनका दोनों को डायमीटर सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है, यानी डायमीटर ऑफ कॉपर और स्टील आपको दिया है कितना है 0.25 सेंटीमीटर। चलो ठीक। तो बच्चों आप क्या करोगे, आपको डेटा एल निकालना है, सारे डेटा दिए हैं, तो किसकी हेल्प लोगे, कौन सा मॉडुलस है। तो बच्चों यंग मॉडुलस क्या होता है, मगनलाल पाटुदार, यस और नो, मगनलाल पाटुदार। अगर आपके पास लॉजिकल अप्रोच बढ़िया है तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू वाई। क्या बच्चों फाइंड कर लोगे। नहीं सर, आप करके बताइए बेटा, करके बताते हैं। पहले बच्चों हम स्टील की बात करते हैं, डेल्टा एल इन स्टील कितना होगा। तो बच्चों बाकी सारी बातें सही हैं, आपको एम में तकलीफ है, स्टील के नीचे कितना मास है आप सोच रहे हो 4, नहीं बच्चों 4 और 6 दोनों आएगा, समझ में आया कि नहीं, बोलो ना कि ना, यस और नो बेटा, यस और नो, यस समझ में आया, जी 9.8 इंटू एल 1.5 × 3.14 आर स्क्वायर, व्हाट इज आर, डायमीटर इज देयर 250 1.125 सेंटीमीटर बच्चों, 0.125 × 10^-2 का स्क्वायर, और यंग मॉडुलस की 2 × 10^-11 क्या सॉल्व करोगे और आंसर लाओगे मीटर में,
क्या सॉल्व करोगे और आंसर लाओगे मीटर में? यस और नो मैसेज फास्ट। और आंसर आपका आ रहा है 1.5 × 10⁻⁴ मीटर। मैसेज करो समझ में आया? स्टील के तार के नीचे 10 किलो है, समझ में आया? यस ओके। अब बात हम करेंगे बच्चों कॉपर की। कॉपर की बात कर तो डेल्टा है कॉपर इक्वल्स टू 10 की जगह इतना पे आ जाएगा 6। क्यों? कॉपर वायर के नीचे इतना मास है 6 केजी, बस खत्म। बाकी सारा डेटा दिया है वो लिखना है 9.8 g। लेंथ ऑफ कॉपर 1, अच्छा पाइप 3.14, ये वो का वही पॉइंट 1.25 × 10⁻², −2 का square × n mod plus 0.91 × 10⁻², 11। क्या ये भी सॉल्व कर लो और मीटर में आंसर लेके आओ? और आंसर आ रहा है बच्चों 1.3 × 10⁻²। क्या बच्चों 2-3 स्टेप का सम था? यंग मॉडुलस डेल्टा है, बस वैल्यू पुट करो। पर आइडेंटिफाई करना है दिस वैल्यू बाय स्टील के नीचे टोटल मास लिखना है। इस वायर का अगर मास दिया होता तो वो भी आता, ये भी नोट कर लेना। इस वायर का अगर मास दिया होता तो वो भी आता, नहीं दिया तो नहीं आता, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट लो। ओके तो बच्चों क्वेश्चन देखो सेकंड, जो डाउन है 6 नंबर। एनसीईआरटी निकालो जल्दी जल्दी। और 6 नंबर का सम मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी निकालनी पड़ेगी आपको। बहुत बढ़िया और इजी है, बहुत बढ़िया और इजी है 6 नंबर का सम, एकदम इजी सम है भाई। जैसे आपको 5 नंबर का आ गया वैसे आपको 6 नंबर का सम भी आ जाएगा। जैसे आपको 5 नंबर का आ गया वैसे आपको 6 नंबर का भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पढ़ते हैं। द एज ऑफ एन एल्युमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। वन फेस ऑफ द क्यूब इज फॉर्मली फिक्स्ड टू ए वर्टिकल वॉल। यानी एक एल्युमिनियम का क्यूब है बच्चों, ये वर्टिकल वॉल है, उसके साथ वो फिक्स किया गया है। जिस साइड से ये फिक्स किया है उसके ऑपोजिट में यहां पे मास लगाया गया है 100 kg। ये एल्यूमिनियम का है भाई, ओके। और इसकी एज है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये क्यूब है एल्यूमिनियम का। एक क्यूब हम मान ले बच्चे यहां वॉल के साथ है, अटैच है। फील करवाता हूं 3D क्यूब है, ये वॉल के साथ अटैच है इस तरह से। हाँ, और इसकी जो लेंथ है वो दी है 10 सेंटीमीटर बच्चों। तो यहां पे एक मास अटैच किया गया है यहां, तो उसका वेट कितना लगेगा भाई? 100 केजी का मास आपने यहां साइड पे लगा दिया बच्चों, समझ रहे हो क्या? नहीं, 100 केजी कितने का लगा दिया बच्चों? 100 केजी। क्या डायग्राम फील हो रहा है? कितना केजी है? 100 केजी साइड में लगा दिया। यस और नो, यस और नो मैसेज फास्ट बच्चा लोग, मैसेज फास्ट। कृषा तुझे होस्ट बना दे रहा हूं बेटा, ओके, क्योंकि रिकॉर्डिंग में इश्यू आ रहा है और मीटिंग भी। अच्छा यस और नो कृषा काका, सरनेम इज काका, हमारी कृषा। कृषा सुन रही है तू? यस ओके ओके। यहां पे इसका आपको GB दिया है एल्यूमिनियम का, 25 GPa। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस? यानी आपको बच्चों वर्टिकली कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पे? ये ऐसे हो जाएगा ना। व्हाट इज दिस वर्टिकल डिफ्लेक्शन? दिस इज डेल्टा एल।
ये बॉक्स ऐसे रखा था, साइड में मास बढ़ा दिया तो ऐसे हो जाएगा। हाँ, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, कैसे फाइंड करेंगे बच्चों स्ट्रेस क्या होती है? और कोई मॉड्यूलस आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? स्ट्रेस अपॉन एरिया स्ट्रेन, स्ट्रेन यहाँ पे मैंने जी लिखा तो फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा। सर अब समझ में आया, ये सही समझ में आ रहा है। यस, व्हाट इज डेल्टा एल? एफ एल अपॉन एरिया इंटू जी, खत्म। फोर्स कितना लगेगा बच्चों? एम जी, एम जी कितना है? 100 के जी लगाया तो 100 इंटू 10 मान लो भी इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। लेंथ कितना है भाई? 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। एरिया कितने एरिया पे ये फोर्स लग रहा है? हाँ, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100, और सेंटीमीटर यानी 10 रेस टू माइनस 2 उसका स्क्वायर 4, क्योंकि एक क्यूब है यानी इसी एक साइड का एरिया कितना होगा? एल स्क्वायर, एल स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कर दिया। जी आपका 25 जी यानी 10^9 गीगा, गीगा का मतलब 10^9। बच्चों सारी वैल्यू 10 में लेके आए हम लोग, तो ये दो गए, ओके ये दो इसको मार देंगे, यहां पे कट करेंगे तो यहां पे 5 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर मिलेगा 10^-5 अपॉन 25। आया कि नहीं बताओ, क्या ये आंसर आ रहा है? आप कहोगे सर नहीं आ रहा है। अरे आ रहा है, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरी बात नहीं सुन रहे हो क्या? आ रहा है, देखो देखो टेक्स्ट बुक में फाइनली यू विल गेट दिस 0.04 × 10^-5 एंड फाइनली 4 × 10^-7 इज अवर आंसर इन मीटर। क्या आ रहा है देखो, क्या आ रहा है? यस यस आ रहा है। आया कि नहीं देखो ये आंसर? सही है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो 6 नंबर। अब 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे। ओके डन ना। चलो तो अब 7 नंबर का सम करते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया सम है एनसीईआरटी में। अब देखो मैं रीड करता हूं, 7 नंबर का जो डाउट है अच्छा डाउट है, बढ़िया डाउट एकदम 7 नंबर। ओके तो बच्चों 4 आइडेंटिकल होलो सिलिंडर और सिलिंड्रिकल कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 kg यानी 50,000 किलो का मास है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक बिग स्ट्रक्चर है। द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ द कॉलम आर 30 and 60 रिस्पेक्टिवली। एज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। हमें कंप्रेशनल स्ट्रेन कैलकुलेट करनी है। चलो फील करवाता हूं। बहुत बढ़िया सा, बहुत बढ़िया। स्टार कर दो इसको, स्टार। ये कॉलम, ये एक बिग स्ट्रक्चर है बच्चों। यहां पे ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है पर बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है? समझ में आया? यस और नो, डायग्राम क्लियर हो रहा है बच्चों? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? यस yes.
आके ना समझ में आया कि नहीं? यस बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया बच्चों, बिल्कुल समझ में आया सर। हाँ क्या कह रहे हो, पूरी बात हमें समझ में आ रही। अच्छा अब यानी कितना है, 50,000 किलो है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक पे कितना आएगा, 12,500। हाँ तो सिर्फ हम इसकी बात करें एक की, तो उसका थोड़ा जूम करके मैं आपको बताता हूं, जूम करके, जूम करके बता दे। तो इसका इनर रेडियस है मान लो R1 और आउटर रेडियस है मान लो R2, तो सिर्फ इतना ही एरिया हुआ ना बच्चों। आके ना बोलो फील हुआ कि नहीं बच्चों, मैसेज करो फास्ट, एरिया का कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? या मैं आपको टॉप व्यू से बता दूं, यहां से इसकी बात कर लें आपको, तो इस तरह से है ये इनर रेडियस R1 और ये आउटर रेडियस R2 और ये एरिया है बाकी अंदर से खाली है, तो इसका कॉलम का एरिया क्या होगा, तो कि पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। हाँ क्या ना पूछो क्यों, ये टोटल एरिया बाहर वाला कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर, अंदर जो नहीं है वो कितना है, पाई R1 स्क्वायर, तो पाई R2 स्क्वायर में से पाई R1 स्क्वायर निकाल दो, यू विल गेट द एरिया। समझ में आया? और सिर्फ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक पे कितना लोड आएगा, तो बच्चों फोर्स आएगा 12,000, यानी एक पे मास आएगा 12,500 kg। खत्म। हाँ यानी दिस इज द लॉजिक, और आपको फाइंड करनी है स्ट्रेंथ, और आपको डेटा क्या दिया है, यंग मॉड्यूलस दिया है अंदर, देखो तो क्वेश्चन में 7 नंबर में नहीं दिया है, पर आपको कुछ डेटा दिया है, देखो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील है तो यंग मॉड्यूलस आपको यूज करना है 2 × 10^11। यस तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस, यानी कि भाई स्ट्रेस कितनी है भाई, फोर्स अपॉन एरिया, और ये यंग मॉड्यूलस खत्म, फोर्स कितना होगा मेरे बच्चों, 12,500 × g को मैं 10 लेता हूं, mg 12,500 × g अपॉन एरिया पाई R2 का स्क्वायर। R2 आपको कितना दिया है देखो, 60, कितना दिया है बच्चों 60, ध्यान से 60 सेंटीमीटर दिया है, तो 60 सेंटीमीटर यानी कितना, 6 × 10^-1 60 सेंटीमीटर है, तो 60 × 10^-2 तो 6 × 10^-1 6 का स्क्वायर 36 × 10^-2 और यहां पे दूसरा है 3 30 है, 30 सेंटीमीटर यानी 30 × 10^-2 और 30 का एक जीरो निकाल दो तो 3 × 10^-1 उसका स्क्वायर 9 × 10^-2 क्या बच्चों समझ में आया, यंग मॉड्यूलस 2 × 10^-11 यू विल गेट द आंसर। एन आंसर इज, आंसर देखो तो बच्चों 7.22 × 10^-7 विथ नो यूनिट। क्या बच्चों आया, क्या बच्चों समझ में आया कि नहीं, मैसेज करो फास्ट, 5, 6, 7 तीनों डाउट आपके क्लियर, तीनों डाउट, ये वाला थोड़ा बढ़िया क्योंकि मैं बताता हूं डायग्राम इसलिए आपको फील हो जाता है, ये सिर्फ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तो 1, 2, 3 तीन स्टेप में सॉल्यूशन, बोलो आएगा कि नहीं, चलो तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो बच्चों आपके मैसेज में दो और डाउट मुझे दिखाई दे रहे हैं 18 और 20, तो 18 और 20 दो डाउट हैं, बढ़िया सम्स हैं, अच्छे सम्स हैं, आपका नॉलेज इसमें होना चाहिए, अगर इक्वेशन और कंसेप्ट नहीं है तो ये एडिशनल एक्सरसाइज के जो सम है ये नहीं हो पाएंगे, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है, अ रोड
ऑफ लेंथ 1.05 मीटर हैविंग नेग्लिजिबल मास इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स बाय टू वायर्स ऑफ स्टील. देयर आर टू वायर्स ऑफ स्टील. ओके, वायर ए इज, सॉरी, नोट बोथ द वायर्स ऑफ स्टील. वन ऑफ देम इज ऑफ स्टील, वायर ए, एंड अनदर इज एल्यूमिनियम, वायर बी, ऑफ इक्वल लेंथ एज शोन इन द फिगर इन 9.15. सो दैट वी हैव वन फिगर रिगार्डिंग द क्वेश्चन. ओके, द क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ द वायर्स ए एंड बी आर ऑल्सो गिवन, 1 mm² एंड 2 mm², ओके, रिस्पेक्टिवली. एट वॉट पॉइंट अलोंग द रॉड शुड अ मास एम बी सस्पेंडेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इक्वल स्ट्रेस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इक्वल स्ट्रेस एट वॉट पॉइंट अलोंग द रॉड शुड अ मास एम बी सस्पेंडेड. ओके, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर द इक्वल स्ट्रेन इन बोथ द वायर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ओके, सो दैट वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाट आर द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन. आफ्टर दैट वी विल फोकस ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ओके, व्हाट इट डिमांड्स फ्रॉम अस, व्हाट इट रिक्वायर्स. ओके, व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड व्हिच आर द मेथड्स. ओके, इफ देयर आर सिंपल क्वेश्चन देन वी कैन सिंपली पुट द इक्वेशन, बट दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम एडिशनल एक्सरसाइज, सो दैट वी हैव टू यूज बेसिक कंसेप्ट और वन ऑफ द सिंपल लॉजिक. ओके, सिंपल लॉजिक, वट वी हैव टू थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. वी हैव टू रिमेंबर द पास्ट कंसेप्ट ऑल्सो. ओके, हमें पास्ट के कंसेप्ट भी ध्यान में रखने चाहिए बच्चों. ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सो व्हाट इज द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वन रॉड विच इज सपोर्टेड बाय टू वायर्स. दिस इज द रॉड. चलो, ओके, इट्स लेंथ इज गिवन 1.05 मीटर. ओके, दिस आर द वायर्स. This is the wire A of aluminium. This is wire B. Sorry, wire A is of steel. And this is of aluminium. Okay. Now some data are given. First of all, both have equal stresses, but Young modulus और ये सारे data हमारे पास नहीं है. Young modulus भी नहीं है. तो आपको यंग मॉड्यूलस अगर नहीं पता है तो किस तरह से सॉल्व करना है ये भी हमें नहीं पता चलेगा. सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर स्टील एंड एल्युमिनियम यंग मॉड्यूलस. ओके, और हम लोग आगे टेबल से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. अगर एग्जाम में पूछा गया है तो वो डेटा गिवन होगा. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहला है, इनके एरिया दिए, एरिया ऑफ एल्युमिनियम is 1 mm², area of A, that means steel, and area of B, 2 mm², that means aluminium. Okay, length is given. Equal stress. हाँ, उसके लिए हमें यहाँ पे मास लटकाना है. वो मास कहाँ पे लटकाएंगे? M mass. This is suppose X. तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? 1.05 माइनस एक्स यहां पे लगाना है फ्रॉम वायर ए. एक्स जितनी दूरी पे अगर हमने एम मास लगा दिया तो हमें कैसा डेटा मिलना है का कह रहे हैं ये लोग, इक्वल स्ट्रेसेस. तो दोनों में इक्वल स्ट्रेसेस हो उसके लिए क्या, और इक्वल स्ट्रेसेस सिग्मा इज सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ बी. सिंपल लॉजिक है. यस और नो बच्चे लोग? सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ बी, ऐसा ही होगा ना? और क्या होगा बच्चों? हाँ, व्हाट इज सिग्मा ए? एफ ए बाय ए ए इज इक्वल टू एफ बी बाय ए बी. समझ में आया? यस, फ्रॉम दिस वी विल गेट एफ
ए अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए ए अपॉन ए बी. व्हाट इज एरिया ऑफ ए? 1. सो दैट फाइनली वी विल गेट दिस रिलेशन एफ ए बाय एफ बी इज इक्वल टू 1/2. दिस इज द फर्स्ट रिलेशन. बट वी रिक्वायर द डिस्टेंस फ्रॉम एनी वायर ए और बी. व्हाट इज द डिस्टेंस एट विच वी हैव टू सस्पेंड अ मास m? फॉर दैट वी विल गेट इक्वल स्ट्रेसेस. ओके, तो अगर स्ट्रेस इक्वल है तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा बच्चों. तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अरे वाह, समझ में आया? मैंने कहा था ना, अच्छा क्वेश्चन है. रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये ऐसे ऐसे नहीं होगा, तो उसके लिए आप क्या कहोगे कि सर दोनों टॉर्क सेम होंगे. इधर लगेगा ये एफ ए, ए के कारण यानी ये इसको खींचेगा ना, हालांकि ए पे फोर्स तो नीचे लगेगा. अगर आप नीचे रखना चाहते हो फोर्स ऑन ए और यहां पे रखना चाहते हो फोर्स ऑन बी, क्यों लगेगा? क्योंकि ये मास लगता है तो इस पे लगेगा और इस पे. अब ये इसको ऐसे घुमाएगा और ये इसको ऐसे घुमाएगा, तो दोनों टॉर्क सेम होना चाहिए. टाउ ए और टाउ की, टाउ ड्यू टू फोर्स ए कितना आएगा? एफ ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. व्हाट इज टॉर्क? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देन यहां पे क्या आएगा? एफ पी 1.05 माइनस एक्स. अब आपको एक्स निकालना है बच्चों. आप एफ बी बाई एक्स इजिकल्स टू क्या कर सकते हो? एफ बी बाई एफ ए इंटू 1.05 माइनस एक्स. एफ बी बाई एफ इसका उल्टा यानी 2 हो गया, तो एक्स इजिकल्स टू 2 1.05 माइनस एक्स, और ये आपका 3x हो जाएगा क्योंकि 20 का होगा. यहाँ पे 2.1 एक्स इजिकल्स टू 0.7 मीटर. दिस इज द आंसर. 21/3 7 और 2.1/3 दैट मींस 0.7. क्या बच्चों आंसर आ रहा है? तो यस सर, आंसर आ रहा है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका. तो बच्चों ओके, मीटिंग ओवर हो गई, फिर से हमने रिजॉइन किया है. तो आपको ये सब समझ में आया कि नहीं पहले ही बताओ. देखो बिल्कुल समझदारी से आपको करना है कि आपको एरिया दिया है और कितने पे आपको मास लटकाना था. तो देखो दोनों में स्ट्रेस इक्वल है, तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया दोनों का हो जाएगा सेम, तो फोर्स का रिलेशन मिल जाएगा जो इनके ऊपर लग रहा है ड्यू टू दिस रॉड एंड दिस मास, ये इनके ऊपर लगेगा. अच्छा, पर हमें तो फाइंड क्या करना है कि कितनी दूरी पे ये मास लगा हुआ होना चाहिए जिससे स्ट्रेस इक्वल हुई. अगर स्ट्रेस इक्वल नहीं है इसका मतलब यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, और अगर स्ट्रेस इक्वल हो गए तो बैलेंस हो जाएगा. बैलेंस हो जाएगा तो ऐसे नहीं घूमेगा, यानी कि टॉर्क इक्वल होगा. क्या इक्वल होगा? टॉर्क. तो टॉर्क मैंने इक्वल किया विद रिस्पेक्ट टू दिस मास एम, हाँ विद रिस्पेक्ट टू मास एम. तो दोनों के टॉर्क अगर सेम है तो ये ऐसे हिलेगा नहीं. तो इसका टॉर्क कितना? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मास और रेफरेंस, तो एफ ए इनटू एक्स ये इधर ले जाएगा, ये इधर ले जाएगा, दोनों ऑपोजिट हैं तो इक्वल होने चाहिए. इसका डिस्टेंस कितना है? तो टोटल 1.05 है, ये एक्स है, तो ये कितना होगा? 1.05 माइनस एक्स. अब आपने एफ ए को नीचे लेके आया तो एफ बी अपॉन एफ ए, एफ ए अपॉन एफ बी 1/2 है, तो उसका उल्टा 2 लिख दिया. ये तो था 1.05 माइनस एक्स, अब ये 2 अंदर ले जाएंगे तो ये 2.010 हो जाएगा. 2.010 ये ध्यान रखना है. 1.05 का डबल क्या होगा? 2.10, ठीक है, ये ध्यान रखना है. और माइनस 2x, तो वो माइनस 2x में इधर लेके आया तो 3x इज इक्वल टू 2.10, तो वी विल गेट x इज इक्वल टू 0.7 मीटर. बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं? दूसरा इसमें पार्ट है वो करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट.
मीटिंग ओवर हो गई थी इसलिए किसी का अगर स्क्रीनशॉट रह गया हो तो लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए। ओके डन, ओके डन के नहीं, डाउट सॉल्व बच्चों। यस, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगेन सेम लॉजिक लगाना है बच्चों, अगेन वी हैव टू अप्लाई सेम लॉजिक। यस, सेकेंड पार्ट, फॉर इक्वल स्ट्रेंथ और इक्वल स्ट्रेंथ, राइट, इक्वल स्ट्रेंथ के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन ऑफ ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ बी। अब आपको फोर्स और एरिया, अब यानी स्ट्रेन आ गई तो फोर्स एरिया यानी स्ट्रेस, फोर्स और एरिया होना यानी स्ट्रेस होना। अच्छा तो स्ट्रेस है ये स्ट्रेन है, तो स्ट्रेस पे से अगर स्ट्रेन लानी है और स्ट्रेन पे से अगर स्ट्रेस लाना है तो यंग मॉड्यूलस चाहिए। तो यहां पे लिखा जाएगा देखो, सिग्मा इज इक्वल सॉरी यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन बराबर क्या लिखेंगे, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस ऑफ ए ए सिग्मा बी बी। बोलो समझ में आया? यस सर, बिल्कुल समझ में आया। तो यहां सिग्मा में मैं लिखूंगा एफ ए अपॉन एरिया ऑफ ए, यंग ऑफ ए तो थाई, एफ बी अपॉन एरिया ऑफ बी, यंग ऑफ बी तो थाई, फिर से फोर्स का रिलेशन निकालो एफ ए बाय एफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी इनटू यंग ऑफ ए अपॉन यंग ऑफ बी। एरिया ऑफ ए आपको 1 दिया है, यहाँ पे 2 है, इनटू यंग मॉड्यूलस, ए क्या है, स्टील है, स्टील का यंग मॉड्यूलस आपको पता होना चाहिए, 2 × 10^11। अब बी क्या है, एल्यूमिनियम है, तो उसका एल्यूमिनियम का यंग मॉड्यूलस क्या है बच्चों, तो 7 × 10^11, सही है क्या नहीं, देखो तो 7 × 10^11 नहीं है बच्चों, 10 है, ठीक है, ये 200, ये 70, यस, ये 200 और ये 70 होता है 70, यानी आप सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, जो भी है देख लेना 7 × 10^10 है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट सम रिलेशन, यहां पे 2 गया तो क्या ये 10/7 आया बच्चों, एफ ए अपॉन एफ बी। अब स्ट्रेंथ इक्वल होगी सही, उसके लिए अगेन द सेम लॉजिक, टाउ ए इज इक्वल टू टाउ बी, एफ ए बाय एफ ए इनटू एक्स इज इक्वल टू एफ बी इनटू 1.05 − x। बट यहां पे इस बार बच्चों x बराबर एफ बी बाय एफ ए अगर आप कर रहे हो तो यू विल गेट 1.05 − x। व्हाट इज एफ बी बाय एफ ए, इसका उल्टा यानी 10/7 1.05 माइनस एक्स, ओके इज इक्वल टू एक्स, तो 7x इज इक्वल टू 10.5 माइनस 10x, यू विल गेट 17x इज इक्वल टू 10.5 एंड फाइनली यू विल गेट x इन मीटर। व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ द x, 0.4324। क्या बच्चों समझ में आया, ये माइनस 10 इधर आया ना, 10x और ये 7 मैंने इधर ले लिया, कैलकुलेशन है बिल्कुल, समझ में आया कि नहीं बताइए। हाँ के ना, मैसेज फास्ट, हाँ के ना टॉर्क, यस अच्छा 10 मैंने उल्टा लिखा है ऐसा है, ओके ओके यस 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 यहाँ पे उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आंसर आ गया, क्या है फिर भी आंसर आ गया, ये गलत है जो कि हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा 7 × 1.05 − 7x 17x, तो ये कितना होगा बच्चों, ये कितना होगा बताओ, 7 × 10 = 7 ऐसा, यहाँ पे 35 होगा ना,
हाँ, अब इसको सॉल्व करो, ये आंसर आएगा 0.4324, यानी क्योंकि आंसर मैंने देख के लिखा है, सॉल्यूशन मेथड अलग नहीं है, वही है, पर ये उल्टा लिखा गया है, आपको ध्यान रखना है, एफ ए बाई एफ पी नहीं, यहाँ पे एफ पी बाई एफ ए, इसलिए उल्टा लिखना है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, एकदम सिंपल लॉजिक है, स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म, सब खत्म हो गया बच्चे। चलो बच्चों, अब हम लोग इसका जो है डाउट सेशन, उसका आज का लास्ट डाउट देख लेते हैं, 20 नंबर का। ओके, तो 20 नंबर का सम देखो क्या है, टू स्ट्रिंग्स ऑफ मेटल आर राइवेटेड टुगेदर एट ईच एंड्स बाई फोर राइवेट्स या रिवेट्स, यू कैन कॉल इट रिवेट्स। ओके, ईच ऑफ द डायमीटर ऑफ 6 mm, डायमीटर ऑफ द रिवेट, व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन that can be accepted by the strip if the shearing stress on the rivet is not exceed, yani shearing stress kya hai bhai, jo exceed nahi honi chahiye, wo value 6.9 × 10⁻⁷ pascal, aur jo char rivet hai wo same load ya same, हाँ सेम कैरी कर रहे हैं, टोटल लोड का सेम लोड कैरी कर रहे हैं, चार जो रिवेट हैं, यानी दो मेटल की स्ट्रिप है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए बच्चों, ये एक वाली है और ये नीचे दूसरी वाली, इनको ज्वाइंट करने के लिए चार रिवेट लगाई गई है, यानी इस पे लोड लगेगा इनका, ये टोटल लोड हो गया, तो इस पे कितना आएगा, टोटल लोड का ऐसा दिया है, टोटल लोड जो होगा उसका फोर्थ पार्ट, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्या बच्चों समझ में आया, यस और नो, इन इसको स्ट्रिप को दोनों को बांधे रखने के लिए ये चारों पे टेंशन लगेगा, लोड महसूस होगा, तो हर को इक्वल हो रहा है ऐसा बोला है, और आपको एक और डेटा दिया है, इनका डायमीटर वो है 6 mm, तो मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी एक्सर्टेड बाय द रिवेटेड स्ट्रिप इफ द शियरिंग स्ट्रेस ऑन द रिवेट इज नॉट एक्सेप्ट, यानी कितना टेंशन आप इस पे डाल सकते हो, मैक्सिमम टेंशन ये आपको फाइंड करना है, यानी यहां पे आप और नीचे इसका कितना हैवी आप इस पे वेट लगा सकते हो कि जिससे ये रह जाए, जुड़ा रह जाए, नहीं तो ये नीचे निकल जाएगी ना आके ना, यस सर मैं ऐसे खड़ा हूं, मैंने एक पकड़ के रखा, यहाँ पे आप एक बकेट लगा दो, उस पे आप वेट रखते जाओ, तो ये मेरी कैपेसिटी होगी ना फिर उसके बाद, हाँ तो कैपेसिटी इज गिवन सिग्मा, सो यू हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम टेंशन, सिंपल सॉल्यूशन, मैक्स टेंशन इज गिवन लॉजिकली, यू कैन से मैक्स टेंशन इज इक्वल टू सिग्मा 4 × σ × एरिया, यस और नो, व्हाट इज सिग्मा, स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो देन व्हाट इज फोर्स, स्ट्रेस इनटू एरिया, बट चार है तो चार होंगे बस, खत्म, वैल्यू रख दो आपका आंसर मिल जाएगा, 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6.9 × 10⁻⁷ एरिया पाई आर स्क्वायर, 3.14 × r² आर कितना हो जाएगा, 3 mm, और 3 का स्क्वायर 9, और mm का 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁶, अगर इसको आपने सॉल्व किया तो आपको न्यूटन में आंसर मिल रहा है, कितना मिल रहा है बच्चों, 7.8 × 10⁻³, क्या बच्चों समझ में आया क्वेश्चन, एक रिवेट के ऊपर कितना टेंशन लगेगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, उसका ऊपर कितना स्ट्रेस आ रहा है, तो सिग्मा
उसका सॉरी उसका स्ट्रेस कितना है सिग्मा और उसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो चार पे कितना लगेगा 4 × σ × एरिया खत्म। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं आपको, मेरे को मैसेज करो फास्ट, बिल्कुल क्लियर ना? यस। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो,